हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, आज की ये वीडियो है हमारी, लेट्स ट्राई 7 है इसमें, और क्लास 6 के लिए है। तो इसमें एक्सरसाइज को करने से पहले ना कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होंगी क्वेश्चंस सॉल्व करते टाइम। जैसे 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे, मतलब 1 रुपए जो होता है कितने पैसे के बराबर होता है? 100 पैसे के बराबर होता है। और 1 पैसे इक्वल टू 1/100 रुपीज। ये आइडेंटिटीज आपने आगे याद रखनी है, क्वेश्चंस आएंगे इससे रिलेटेड, वो आपने सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। 1 मीटर इक्वल टू 1/1000 किलोमीटर। फिर है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1/100 मीटर। 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम। फिर है 1 लीटर इक्वल टू 1000 मिलीलीटर एंड 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1/1000 लीटर। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं। अब देखिए, ये हमारे एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फिलअप्स हैं इसमें। 5 मीटर इक्वल टू -सेंटीमीटर, मतलब 5 मीटर को आपने कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। तो आपको पता है 1 मीटर में कितने होते हैं? 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 में कितने हो गए? 5 × 100, 500 सेंटीमीटर। अब 8 ग्राम को कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो 1/1 करेंगे, क्योंकि 1 ग्राम में 1/1000 किलोग्राम होते हैं। तो 8/1000, ऊपर 3 डिजिट के बाद क्या लगा देंगे? पॉइंट लगा देंगे, ठीक है। फिर है 36 किलोग्राम 50 ग्राम। तो 36 किलोग्राम को पहले हमने डेसिमल में और किलोग्राम में ही कन्वर्ट करना है। दैट मीन्स ये आपका आ जाएगा ग्राम और किलोग्राम है ना, तो 36.050 किलोग्राम, ठीक है, ये आपका आएगा। क्योंकि 36 किलोग्राम का तो हो गया आपका 3600 ग्राम, और फिर 50 और है तो 36050, ठीक है, इस तरह से आएगा। तो हम, लेकिन हमें कन्वर्ट किस में करना है? किलोग्राम में ही करना है, तो डेसिमल लग जाएगा, ठीक है, पॉइंट लग जाएगा आपका 050 किलोग्राम, 36.050 किलोग्राम, ये आएगा। 4 सेंटीमीटर 5 मीटर, तो देखो 5 मीटर है, तो 5 मीटर का सेंटीमीटर बनाएंगे तो कितने आए? 500, और 4 हो रहे हैं तो 504 सेंटीमीटर, ये आ गया। 135 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, दैट मीन्स अपॉन 100 होगा, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट आएगा 1.35 मीटर। 2 रुपीज 60 पैसे, इसको रुपीज में करना है, तो 2.60 रुपीज, ठीक है, ये आपका आंसर्स आएंगे इनके। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, वो कह रहा है मैंगोज का वेट है 4 किलोग्राम 500 ग्राम एंड ऑरेंजेस का है 6 किलोग्राम 750 ग्राम, तो टोटल वेट बताना है कितना होगा। तो कैसे करेंगे, देखिए, ये हो गया हमारे पास किलोग्राम ग्राम, 4 किलोग्राम 500 ग्राम, 6 किलोग्राम 750 ग्राम, इस तरह से आप लोग लिखेंगे। तो 0, 5, 7+5, 12, कैरी 1, 4+1, 5 और 6, 11, ये आप ऐड कर देंगे, टोटल वेट के लिए क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे, तो ये आपका 11 किलोग्राम 250 ग्राम आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, फर्स्ट ईयर ही ग्रेव, कितना ग्रो किया है उसने? 4 सेंटीमीटर 62 मिलीमीटर। सेकेंड ईयर में 7 सेंटीमीटर 7 mm, कह रहे टोटल बताओ कितना ग्रो किया, ऐड कर देंगे तो ये आ गया। देखो 7 mm का मतलब है 07, ठीक है, तो 7 और 2 ये हो गया 9,
6, 4 प्लस 7, 11, 11 सेंटीमीटर 69 mm, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे फोर्थ क्वेश्चन पे। चिप्स हैं हमारे पास 3 किलोग्राम 930 ग्राम एंड बिस्किट्स हैं 2 किलोग्राम 450 ग्राम, तो टोटल कितना आ गया ऐड करेंगे, किलोग्राम ग्राम लिखा, ये 3 था, ये 930 है, ये 2 है, ये 450 है, 0, 5 प्लस 3 8 और 9 प्लस 4 13, कैरी 1, 3 प्लस 2 5 1 6, 6 किलोग्राम 380 ग्राम ये आपका आंसर आएगा। एप्पल जूस कितना है, 5 लीटर, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है ये। एप्पल जूस है 5 लीटर 500 मिलीलीटर, ऑरेंज जूस है 6 लीटर, ग्रेप जूस है 7 लीटर 700 मिलीलीटर, तो टोटल हमारे पास लीटर और मिलीलीटर है 5 500 6 0 0 0 7 700, ऐड किया तो ये आपका आ गया 19 200। तो अब यहाँ पर आप इसको ऐसे लिखेंगे 19 लीटर 200 मिलीलीटर, ये आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, यहाँ पर दो केस बनेंगे मेरे पास। केस फर्स्ट में क्या कह रहा है, राम एट बर्गर, राम ने कितना बर्गर खाया भाई कैलोरीज में, 80.79 कैलोरीज। पिज्जा कितना खाया, 91.69 कैलोरीज। टोटल कितना आया इसको जब हमने ऐड किया, 172.48 कैलोरीज। अब केस नंबर सेकंड है, राहुल एट सैंडविच, 60.84 कैलोरीज। नूडल्स 57.81 कैलोरीज, तो टोटल कितना आया ऐड किया तो 118.65 कैलोरीज। वो कह रहा है किसने कम कंज्यूम किया है, तो राहुल कंज्यूम लेस कैलोरीज, क्योंकि इसका किसने राहुल ने कम किया ना, क्योंकि राहुल की तो 118.65 थी, ये 172.48 है, वो के कितना कंज्यूम कम किया है, तो माइनस कर देंगे 172.48 में से 118.65 को माइनस किया तो ये आपका 53.83 कैलोरीज आ गया, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। सिटी ए रिसीव्ड रेन 13.74 सेंटीमीटर, सिटी बी रिसीव्ड रेन 23.81 सेंटीमीटर, तो कह रहे किसने ज्यादा रेनफॉल रिसीव किया, सिटी बी रिसीव मोर रेनफॉल, कैसे, क्योंकि ये 13.74 है, ये 23.81 है, 23 ज्यादा होता है, इसका मतलब सिटी बी ने ज्यादा रेनफॉल रिसीव किया, और कह रहे कितना रिसीव किया, सबट्रैक्ट कर देंगे 23.81 में से 13.74 को मैंने सबट्रैक्ट किया तो ये आपका आंसर आ गया 10.07 मोर रेनफॉल। तो ये आपकी एक्सरसाइज थी। अब देखो इसमें बेटा कुछ क्वेश्चंस ना आपके कम हैं एक्सरसाइज में, जो आप लोगों को आने चाहिए, तो वो क्वेश्चंस मैंने एक्स्ट्रा डाले हैं आप लोगों के लिए, आप सभी उनको अपनी फेयर नोटबुक में करेंगे अच्छे से, कोई बच्चा छोड़ेगा नहीं इन क्वेश्चंस को, फेयर में आपने करना है, क्योंकि ये क्वेश्चंस हैं कन्वर्जन से रिलेटेड, और ये कन्वर्जन आप लोगों को आने चाहिए अच्छे से, जैसे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में डालेंगे आप इसको, कन्वर्ट 5 किलोग्राम इंटू ग्राम, ये आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए, तो 1 किलोग्राम इक्वल टू होता है 1000 ग्राम, 5 किलोग्राम कितना होगा, 1 का दिया हुआ है, 5 का पूछ रहा है, ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई 1000 × 5 मतलब 5000 ग्राम, ठीक है। इसी तरह से कन्वर्ट 75 रुपीज इंटू पैसे, तो 1 रुपीज इक्वल टू 100 पैसे, 75 रुपीज में कितने हो गए, मल्टीप्लाई 100 × 75 मतलब 7500 पैसे, ठीक है। कन्वर्ट 45 मीटर इंटू सेंटीमीटर, 1 मीटर हो गया 100 सेंटीमीटर, तो 45 मीटर कितना होगा, ज्यादा होगा, ज्यादा के लिए मल्टीप्लाई 100 × 45 4500 सेंटीमीटर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, कन्वर्ट 5 किलोग्राम
230 ग्राम इंटू ग्राम, तो पहले देखो 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम में कितने ग्राम आए, 1000 मल्टीप्लाई बाय 5, 5000 ग्राम, और 230 ग्राम मेरे पास पहले ही एक्स्ट्रा है, तो 5000 प्लस 230 मतलब 5230 ग्राम, ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखेंगे। हाँ, कन्वर्ट 768 सेंटीमीटर इंटू मीटर। अब देखो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है, 1/100 मीटर, और 768 सेंटीमीटर 1/100 मल्टीप्लाई बाय 768। अब यहाँ 100 है, नीचे 2 जीरो है, ऊपर 2 डिजिट्स के बाद आप पॉइंट लगा देंगे, 7.68 मीटर। इस तरह से आप इनको कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट आता है कन्वर्ट 4732 ग्राम इंटू किलोग्राम। तो देखो 1 ग्राम इक्वल टू 1/1000 किलोग्राम, एंड 4732 ग्राम कितना हो जाएगा, 1/1000 मल्टीप्लाई बाय 4732। अब नीचे 1 2 3 3 जीरो है, ऊपर 3 के बाद पॉइंट, 1 2 3 मतलब 4.732 किलोग्राम, ये आपका आंसर आएगा। तो ये कन्वर्जन्स आप लोगों को अच्छे से आने चाहिए, और ये तब आएंगे जब आपको जो स्टार्टिंग में आइडेंटिटीज़ मैंने लिखवाई थी वो आप अच्छे से लर्न करेंगे। यदि वो आपको लर्न है तो ये कन्वर्जन आप कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ओके।